Hello guys, I am Palija and I am going to start a new lecture of life process. What is Erikers? Erikers are a pair of thin wall chambers. जो Erikers होता है वो pair में होता है, यानी कि दो होता है और thin wall chambers इसके होते हैं. They receive blood from different organs और वो blood को receive करते हैं different organs से. They are of two types. राइट एरिकल एंड लेफ्ट एरिकल. और ये दो टाइप के होते हैं, राइट एरिकल एंड लेफ्ट एरिकल. वेंट्रिकल्स. व्हाट इज वेंट्रिकल्स? वेंट्रिकल्स आर अ पेयर ऑफ थिक वॉल चैम्बर. और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो भी पेयर में होते हैं लेकिन थिक होते हैं. एरिकल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, लेकिन एरिकल्स जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थिक होते हैं, वॉल इन चैम्बर्स. दे पम्प ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स. और इनकी वजह से, वेंट्रिकल वजह से जो हम लोग का ब्लड होता है वो पम्प करता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में. दे आर ऑफ टू टाइप, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. और ये भी दो टाइप होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. दे बिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द राइट एरिकल, मतलब राइट एरिकल से जाके वो, मतलब राइट एरिकल से जाके और लेफ्ट वेंट्रिकल में वो निकल जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. Pulmonary artery. It carries deoxygenated blood from right ventricle to the lungs for oxygenation. जो pulmonary artery होती है वो carry करती है deoxygenated blood from right ventricle to the lungs for oxygen. Pulmonary veins. It carries deoxygenated blood from lungs to left ventricles. और जो पल्मोनरी विंस होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एरिकल्स. ओरोटा. ओरोटा इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो ओरोटा होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कैरी करता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड प्रोवाइड इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेता है और उसको प्रोवाइड करता है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में. वॉल्वेस इन द हार्ट. ट्राइकस्पिड वॉल मतलब ये इसके मतलब दो तीन टाइप होते हैं लेकिन पढ़ लेते हैं. ट्राइकस्पिड वॉल. इट इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द राइट एरिकल्स इन टू द राइट वेंट्रिकल्स. मतलब ये प्रेजेंट होते हैं ओपनिंग ऑफ राइट एरिकल्स, लेकिन राइट एरिकल्स निकल के वो मतलब लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाते हैं. बाइकस्पिड वॉल. इट इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द लेफ्ट एरिकल इन टू लेफ्ट वेंट्रिकल. बाइकस्पिड वॉल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओपनिंग ऑफ द लेफ्ट एरिकल, यानी कि लेफ्ट एरिकल की ओपनिंग में, और उसके बाद वहां से जाके वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं. दिस प्रिवेंट फ्रॉम द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. और वो प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को फ्रॉम वेंट्रिकल टू एरिकल, फ्रॉम वेंट्रिकल टू एरिकल. पल्मोनरी वॉल्वी. इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी. और ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी. एरोटिक सिमिल्यूनर वॉल्वे. इट इज प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ओरोटा. वो प्रेजेंट होता है पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ ओरोटा. ये आपका क्लियर है कि मतलब कैसे कैसे. देखिए सबसे पहले जो हम लोग का मतलब वो होता है जो ब्लड होता है वो हम लोग के वहां से मतलब बॉडी से स्टार्ट होता है, और बॉडी से स्टार्ट होके वो हम लोग के लंग्स मतलब जाता है राइट एरिकल्स, और राइट एरिकल से वो ट्राइकस्पिड वॉल जिसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल में हो जाता है, और उसके बाद से राइट वेंट्रिकल से निकल के
और उसका सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो जो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सीधे मतलब लंग्स में जाता है। और लंग्स में मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसके बाद लंग्स में जब जाता है तो प्योरीफाई होके फिर जो मतलब वो होता है हम लोग का ब्लड जो होता है वो मतलब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए बॉडी पार्ट से वो निकलता है, और बॉडी पार्ट से निकल के उसके बाद से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए वो जाता है हमारे मतलब लंग्स में। देखिए जब हम लोग जब ये करते हैं प्रोसेस तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में जाता है, और लंग्स से वो लेफ्ट एरिकल जाता है, और लेफ्ट एरिकल से बाइकस फीडवर्ड, उसके बाद से लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकल के बॉडी पार्ट्स में जाता है। जितना हम लोग हम रेड कलर से बनाए हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जितना हम ब्लू कलर से बनाए हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये फिगर बना लेंगे तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा कि कैसे कैसे ब्लड हम लोग के अंदर जाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैसे जाता है और कैसे कैसे निकलता, तो इससे आप लोग को इजी रहेगा उसको पढ़ने में। उसके बाद आता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। फर्स्टली द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इंटर इनटू द राइट आर्टरीज बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। मतलब पहले हम पहले बोले थे कि सबसे पहले हम लोग बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, और वो जाता है मतलब कैसे वो जाता है ब्लड जो होता है वो हम लोग पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है और इंटर करते इनटू द राइट एरिकल्स, और कैसे राइट एरिकल्स जाता है बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, मतलब सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा के द्वारा। From right auricle deoxygenated blood passes into the right ventricle through tricuspid valve. और जो right auricle होता है वो deoxygenated blood को pass करता है right ventricle में through tricuspid valve, मतलब tricuspid valve के मतलब द्वारा। From right ventricle blood passes to the lungs. उसका right ventricle के द्वारा हम लोग का ब्लड जो होता है वो पास होता है लंग्स में through pulmonary artery for oxygenation. मतलब pulmonary artery के थ्रू oxygenation होता है। उसका after oxygenation the blood become oxygenated. उसके बाद से oxygenation के बाद वो जो ब्लड होता है वो oxygenated होता है, यानी कि मतलब वो डीऑक्सीजनेशन से ऑक्सीजनेशन हो जाता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग इंटर इनटू द लेफ्ट एरिकल्स बाय पल्मोनरी वेंस। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में इंटर करता है लेफ्ट एरिकल्स से, मतलब वो इंटर करता है थ्रू पल्मोनरी वेंस। फ्रॉम लेफ्ट एरिकल ब्लड पासिस टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एरिकल से ब्लड हम लोग का पास करता है लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस स्पीड वॉल्व, मतलब बाइकस स्पीड वॉल्व के द्वारा। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासिस, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पास करता है टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको हम लोग मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में हम लोग जाता है अरोटा के द्वारा। जैसे हम लोग का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मतलब पल्मोनरी वेन के द्वारा जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है, और उसके बाद से मतलब जब हम लोग का जाता है तो उसका से जब हम लोग पूरी बॉडी लंग्स में जब जाता है तो पूरी बॉडी फैलने के लिए तो अरोटा के द्वारा वो जाता है। उसके बाद से आता है हम लोग का डबल सर्कुलेशन। In human beings, to complete one cycle of circulation, blood passes twice through the heart. मतलब जो human being में जब complete one cycle होता है circulation of blood, तो दो बार वो pass करता है heart में, और मतलब heart के द्वारा वो दो बार pass होता है, और this type of सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अगर दो बार वो ब्लड जो होता है वो पास होता है हार्ट में तो उसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, और ये कंसिस्ट करता है दो टाइप के सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। मतलब एक पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा होता है, एक
सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के द्वारा होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड रिटर्न ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हम लोग का सर्कुलेशन होता है उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो राइट वेंट्रिकल से निकल के और रिटर्न मतलब रिटर्न ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू लंग्स, और लंग्स के द्वारा इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड रिटर्न ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। मतलब जब हम लोग का सर्कुलेशन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के रिटर्न होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और उसके बाद से वो आ जाता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब पूरे बॉडी में वो आता है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो जब वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो फिर वो जब दोबारा जाता है तो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो वो इसी को हम सर्कुलेशन कहते हैं। राइट देखिए यहाँ फिगर बना है, राइट एरिकल से हो जाता है, और राइट एरिकल से वो देखिए पहले बॉडी पार्ट से वो निकलता है, तो नहीं पहले लंग्स से वो निकलता है, और लंग्स से वो पल्मोनरी वेंस में जाता है। पल्मोनरी वेंस से जो हम लोग का ये मतलब पल्मोनरी वेंस वाला जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन ऊपर का जो है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, जहाँ से हम लोग लाइन किए हैं डॉट वाला वो हम लोग का सिस्टमैटिक उस ऊपर वाला है, और जो हम लोग का नीचा है वो वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन है। लंग्स से पल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट एरिकल में जाता है, और लेफ्ट एरिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जो कि बॉडी पार्ट से राइट एरिकल आता है वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के द्वारा, उसका से जो डीऑक्सीजनेटेड उसका से राइट एरिकल से राइट वेंट्रिकल जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग का जाता है, और राइट वेंट्रिकल से हम लोग के लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, और उसका लंग्स से हम लोग का पल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट एरिकल में जाता है, और लेफ्ट एरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा के द्वारा वो बॉडी पार्ट में जाता है। मतलब जो ये राइट मतलब कुछ होते हैं जो सिस्टमैटिक होते हैं कुछ पल्मोनरी, आपको सिस्टमैटिक और पल्मोनरी दोनों हम मतलब दिखा दिए हैं कि कैसे कैसे गुजारता है, कितना सिस्टमैटिक होता है और कितना पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। उसके बाद से आता है हार्ट बीट, राइटमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। मतलब जो हम लोग का कंट्रैक्शन होता है हार्ट का, मतलब जब हम लोग का दिल धड़कता है तो उसी को हार्ट बीट बोलते हैं। तो उसमें बता रहा है कि मतलब जो हार्ट बीट हम लोग का कितने मतलब कितने मिनट या कितने सेकंड में कितने बार उठता है। द रेट ऑफ हार्ट बीट इज 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में उस हम लोग का ब्लड जो हार्ट होता है वो 72 टाइम्स धड़कता है। ब्लड प्रेशर, द प्रेशर दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जब हम लोग का प्रेशर यानी कि जब हम लोग का ब्लड होता है जब हम लोग का ब्लड होता है अगर एक्सर्ट करता है अगेंस्ट द वॉल, मतलब ब्लड वॉल ऑफ द आर्टरी वॉल ऑफ द जो आर्टरी होता है उसके अगेंस्ट जब हम लोग का ब्लड एक्सर्ट करने लगता है उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब हम लोग ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें हम लोग का मतलब सुनते हुए आप लोग कि कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है, तो ये मतलब ज्यादा क्वेश्चन है कि कारण भी ऐसा होता है। इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पाइगो मैनोमीटर के द्वारा, ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको नापा जाता है। इन हेल्दी ह्यूमन इट इज अबाउट 120 अपॉन 80 mm हीमोग्लोबिन। एक लोग के मतलब जो हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर 120 अपॉन 80 mm हीमोग्लोबिन होता है। लिम्फेटिक सिस्टम, द लिम्फेटिक सिस्टम
कंप्राइजेस ऑफ अ कलरलेस फ्लूड लिम्फ अ नेटवर्क ऑफ फाइन चैनल लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड वेसल्स द लिम्फ नोड्स। मतलब ये की पॉइंट्स हैं उसका। अब हम कल, क्योंकि आज का लेक्चर आप लोग का खत्म हो गया है, तो अब मैं कल आप लोग को समझाऊंगी। प्लीज लाइक, इफ यू आर लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।